हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग छोटा सा डेमो करने वाले हैं। तो डेमो है हमारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का डेमो है, ठीक है। इसको हम थ्योरी देख चुके हैं इसका ऑलरेडी। तो बहुत छोटी सी लैब है, कोई बहुत बड़ी लैब इसकी है नहीं, ठीक है। और ये मॉड्यूल 8 का हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा बस एक मॉड्यूल और बच रहा है, मॉड्यूल 9, ठीक है। सो वो भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी हमारी सीरीज खत्म होने वाली है। तो चलते हैं अपने पोर्टल पे और शुरू करते हैं इसका डेमो। बहुत बड़ा है नहीं, छोटा सा है, तो सिंपल सा डेमो है। सो सी यू देयर। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम आ चुके हैं अपने पोर्टल पर। अपने पोर्टल जाने के बाद आपको अगर यहाँ पे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी नहीं दिख रहा है तो मैं आपसे बोलूंगा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो एज्योर एक्टिव, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। आप सिंपली इस पे क्लिक करना, आप आ जाओगे इस पेज के अंदर, ठीक है। इस पेज पे आने के बाद आपको क्लिक करना है यूजर्स पर। यूजर्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर यूजर MFA, यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप इस पे क्लिक करना, ठीक है। आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा लाइक दिस। आपको इस पे क्लिक करना है अपने यूजर पर, ठीक है, और यहां पे कर देना है सिंपली इनेबल। सो मैं फिलहाल इस यूजर को नहीं करना चाहता हूं। सो मैं चाह रहा था कि एक यूजर हम क्रिएट कर लेते हैं फटाफट, डमी यूजर, ठीक है। इसका मैं हम कर देता हूं लाइक दिस, लाइक डमी, ठीक है। और इसका डिस्प्ले नेम भी मैं कर दूंगा डमी, ठीक है। और जो भी है इसका पासवर्ड लाइक दिस है ना। इसका पासवर्ड करता हूं कि डमी, जस्ट अ सेकेंड, नॉट ऑटो जनरेटेड। मैं इसका पासवर्ड करता हूँ डमी 1234, ठीक है। एंड सिंपली करता हूँ रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, एंड दिस क्रिएटेड। ओके, सो पासवर्ड प्रोफाइल इज इनवैलिड, एरर, कैन नॉट कंटेन यूजर नेम। ओके, सो इसने बोला है कि आप अपना यूजर नेम नहीं डाल सकते हो पासवर्ड पे। तो ठीक है, मैं कुछ चीजें चेंज कर देता हूँ, लाइक पासवर्ड में कुछ चीजें चेंज कर देता हूँ। इसमें कर देता हूँ पासवर्ड 123, अब ठीक है। ओके, सो एट द रेट नहीं, ओके 6001, ठीक है। अभी मैं कर दिया पासवर्ड 6001, और ये हो गया यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। तो मैं सिंपली क्लिक करूंगा, हम आ जाएंगे यूजर पे, ठीक है। यूजर के अंदर आने के बाद, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप होम पे जाना है, सिंपली एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे आ जाना है, यूजर पे आ जाना है, और यहाँ पे आपका यूजर अभी आ जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है उसको आने में, मैं रिफ्रेश करता रहता हूँ। दिस डमी मेरा आ चुका है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा पर यूजर MFA पे, ठीक है, जो हम डेमो कर रहे थे, ठीक है। अब मैं करूंगा अपने यूजर पे क्लिक जिसको मुझे इनेबल करना है, ठीक है, जिसका मुझे ये MFA इनेबल करना है। तो मैं सिंपली क्लिक करूंगा यहाँ पे इनेबल पे, और यहाँ आ जाएगा इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इज नाउ इनेबल फॉर सेलेक्टेड अकाउंट। मैं करता हूँ सिंपली क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन सर्विस सेटिंग्स का, इस पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शंस, तो मैं यहाँ पे इन्हें चेंज कर दूंगा। मैं सिंपली कर दूंगा वेरिफिकेशन कोड फ्रॉम मोबाइल ऐप, ठीक है। तो जो मोबाइल ऐप होगा वहां से करेंगे हम लोग। एंड मैं सिंपली करता हूँ सेव पे क्लिक। और मोबाइल ऐप मेरा कौन सा रहता है, मोबाइल ऐप मेरा इसमें रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के नाम से। आप सिंपली अपने प्ले स्टोर पर जाकर के भी सेम चीज को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने कर दिया सेव, ठीक है, और ये हो जाएगा देखो सेव, ठीक है। अब क्या करना होगा मुझे, मैं अपने यूजर पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और इसका मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। अब मैं यहां से ओपन करता हूँ न्यू इनकॉग्निटो मोड, और खोल लेता हूँ अपना पोर्टल। और पोर्टल पे जाने के बाद मैं सिंपली करूंगा इसको दिस, मैंने डाला ये, और इसका पासवर्ड डालना था मुझे, तो मैं डाल देता हूँ पासवर्ड क्या था मेरा 6001, ठीक है। एंड साइन इन, इसने बोला एक्शन रिक्वायर्ड, ओके सो सिंपली करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब ये बोलेगा कि आपको अपना MFA एक्टिव करना था, आपने कर दिया है, सो अब आपको ऑथेंटिकेटर के थ्रू जाना पड़ेगा मुझे, सो जस्ट वेट गाइस, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया स्टार्टिंग बाय गेटिंग द ऐप। आपको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड करना है, या फिर आप सिंपली प्ले स्टोर पर टाइप कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, ठीक है। आपको कर देना है सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक। आपको करना होगा सेटअप योर अकाउंट इन योर ऐप, एड एन अकाउंट एंड सेलेक्ट अदर। आपको अपना एक अकाउंट ऐड करना है, और आपको सिंपली कर देना है अदर पे सेलेक्ट। जैसे आप अदर पे सेलेक्ट करोगे आपको नेक्स्ट करना है। आपको इस जो ये लिंक बन के आया है, ये आपको QR कोड इसको स्कैन कर लेना है, और बस सेटअप हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक, और आपको वो कोड डालना होगा जो आपके एप्लीकेशन पे दिखाएगा, जैसे कि मेरे पे दिखा रहा है इस वक्त। मैंने डाउनलोड कर दिया था इसको, एंड मैं सिंपली करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक, एंड हम ऑथेंटिकेट कर लेंगे। देखो ये ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू कर लिया मैंने, एंड देखो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और मैं सिंपली आ चुका हूँ। अब मैं अपना डालूंगा करंट पासवर्ड, और यहाँ से अपना पासवर्ड भी आप सिंपली चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं डाला अगर पासवर्ड 6001, और मैं यहाँ कर दूंगा, मैं यहाँ पे सपोज कर देता हूँ न्यू यूजर 6001, एंड यहाँ कर दूंगा न्यू यूजर 6001, ठीक है। अब मैं कर दूंगा साइन इन,
ठीक, कैनॉट कंटेन योर यूजर आई डी, नीड टू बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आप सिंपली यहां से अपना पासवर्ड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो यार। कुछ भी रख दो, सपोज मैं यहां रख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट 420 420। ठीक है, अब क्या रखू भाई, कुछ तो नहीं यार दिमाग में, माइक्रोसॉफ्ट 420 420 एंड कर दोगे साइन इन। ठीक है, पासवर्ड अपना अपने हिसाब से डाल लेना। ठीक है, कभी कभी होता है दिक्कत, मैं तो आपको बताना जहाँ सिंपल बना था सिंपल बनने नहीं दिया, थोड़ा सा टफ किया इसने, एंड टफ जैसे मैंने किया सिंपली हम आ जाएंगे अपने पोर्टल के अंदर एंड अगेन वी आर लॉग्ड इन। ठीक है, सो बहुत इजी था ये, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना भी बहुत आसान था। सो मैंने आपको समझा दिया है, आप ऐसे साइन इन कर सकता है, जैसे अब यूजर क्या कर सकते हैं, यहाँ से खुद से जो चीजें होंगी वो यहाँ से चेकआउट कर लेगा एंड इसमें से ठीक कर लेगा। सो आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है और चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, और आप चाहो तो यहाँ से यूजर को डिलीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।